इनको रोका जाए ठीक है तो ये यह यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके रिगार्डिंग एक पूरा एडिटोरियल आया है न्यूज़पेपर में वी विल डिस्कस इट फ्रॉम दैट ठीक है सो यहाँ जो इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल के बारे में बात की है पुथारी एक लोकल फेस्टिवल है लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एट पुथुर वयाल नियर गुदालूर इन तमिलनाडु ठीक है कौन ऑब्जर्व करते हैं कौन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं सो देर आर सर्टन ट्राइबल पीपल जैसे कि मोहदन चेतीस देन पनियास इरुलास, कुरुम्बाज कोटास एंड टोडाज ऑफ निलगिरी और ये पुथारी जो है दिस इज़ सेलिब्रेटेड जस्ट बिफोर द पैट इज़ रेडी फॉर हार्वेस्ट। सो तो ये पुथारी फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए एंड ये ट्राइबल कम्यूनिटीज़ निलगिरीज़ की जो है एंड तमिलनाडु की वो पता होनी चाहिए दैन तो ये साइक्लोन दाना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट टू डेज के जो न्यूज पेपर थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया है ये ठीक है ओके यहाँ पे देखो सेम आर्टिकल है जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा सोशल मीडिया फर्म्स टोल्ड टू कर्ब बॉम्ब हॉक्स पोस्ट सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन्होंने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कहा है दैट दे नीड टू हैव अ ड्यू डिलीजेंस ऑब्लिगेशन अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो इनको प्रॉपर ड्यू डिलीजेंट तरीके से इनको अब्लीगेट करना पड़ेगा रूल्स को टू प्रॉपर्ली रिमूव एनी मिस इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कॉम्प्रोमाइज करती है सो so ये चीज़ कही गई है एंड इन फ्राइडेज एडवाइजरी मिनिस्ट्री ने कहा है तर प्लेटफॉर्म्स जो ड्यू डिलीजेंस नहीं लेंगे इस रिगार्ड में उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा अंडर आई टी एक्ट एंड अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 ये आप मुझे बताएं भारतीय न्याय संहिता जो है ये क्या है पहले इसको किस नाम से बुलाया जाता था इंग्लिश में ठीक है सो एंड ट्वेंटी में इसका नाम चेंज किया है एंड कुछ प्रोविजन्स में मॉडिफिकेशनस की हैं सो so, ये बताओ कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे इसका जो प्रेडिससर था वो कौन सा एक्ट था देन स्टबल बर्निंग इन पंजाब हरियाणा हैज़ डिक्रीज दिस ईयर तो ये एक डेटा दिए कि भाई इस साल स्टबल बर्निंग पंजाब और हरियाणा में डिक्रीज हुआ है पंजाब में थर्टी फाइव परसेंट लेस हुआ है एज़ कम्पेयर टू ट्वेंट ट्वेंटी थ्री एंड हरियाणा में ट्वेंटी वन परसेंट लेस हुआ है एज़ कम्पेयर टू ट्वेंट्वेंटी थ्री ईयर ठीक है बाकी और इस पर कुछ नहीं था हाँ अब ये इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है यहाँ पो ज, यहाँ पे जूनोटिक डिजीज़ को कर्ब करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज़ लॉन्च अ प्रोजेक्ट जिसमें ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर्स का पेंडेमिक फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक एंड एफ एओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स ठीक है सो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हैं एफ ए वी हैव वर्ल्ड बैंक एंड वी हैव ए डी बी ठीक है ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर्स का पेंडेमिक फंड है सो so, ये फंड जो है किसके लिए है ये टू

कोई भी जोनोटिक डिजीज़ के लिए लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है क्रॉस बॉर्डर कलेब्रेशन करनी है अब देखो इन सब चीज़ों पे फोकस क्यों किया जा रहा है बिकॉज इंडिया है स्कोर लो 42.8 मार्क्स स्कोर किए हैं इंडिया ने ऑन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स विद अ हाई लेवल ऑफ इन्वॉर्मेंटल रिस्क एंड पब्लिक हेल्थ अवेलेबिलिटीज़ सो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स इसमें इंडिया का स्कोर काफ़ी कम हुआ है सिक्सटी परसेंट ऑफ पैथोजन दैट कॉज ह्यूमन डिजीजेस वो आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ से एंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ इमर्जिंग ह्यूमन दे आर देसो ऑफ एनिमल ओरिजिन तो ये सब रीजन हैं वाई ये फंड सेटअप किया जा रहा है क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर लेबोर्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर कलेबोरेशन की जा रही हैं एनिमल हेल्थ के लिए देन इसमें ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा दैट इज एनिमल हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको ट्रेन किया जाए जाएगा उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे इट विल ऑल्सो बी यूज टू अपग्रेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एनहानसिंग एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज ताकि बेटर रिस्क असेसमेंट हो डिसीजन मेकिंग बेटर हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हो पाएँ रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ रिस्क इसमें इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी एट बोथ नेशनल एंड रीजनल लेवल्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एक बनाया जाएगा फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस आर्टिकल और यहां पे एक और चीज नोटिस करनी है दैट दिस ट्वेंटी फाइव मिलियन पैंडमिकॉज फंड प्रोजेक्ट जो है इसमें जी ट्वेंटी जो है ये एक मेजर पार्टनर है ठीक है तो काइंड ऑफ जी ट्वेंटी का इनिशिएटिव है ये दैट्स इट फॉर दिस आर्टिकल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट दिस डोनेटेड स्टेम सेल्स सो यहां पे ट्रांसप्लांट रेसिपियंट डी मिस्टिफाई ऑफ डोनेटेड स्टेम सेल्स सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट आई थिंक दैट स्टेम सेल्स के ऊपर एक कम्प्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाकर इस चैनल पर अपलोड हो चुका है उसमें टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स वॉट आर स्टेम सेल्स क्या सोर्सेस है स्टेम सेल्स से कहाँ से आप ले सकते हो स्टेम सेल्स बॉडी के किस पार्ट से ऑल दो थिंग्स हैव इन इन डिटेल सो अगर ब्रीफ बता स्टेम सेल्स आर अ काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन योर बॉडी जो कि किसी भी और सेल फॉर्म में डेवलप हो सकता है नर्व सेल में डेवलप हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है आपके स्किन सेल्स बन सकते हैं सो so, ये स्टेम सेल्स को यूज करके अगर आपकी बॉडी में किसी भी सेल्स की कमी है ब्लड सेल्स की कमी है या नर्व सेल्स बनाना चाहते हैं लिवर सेल्स बनाने हैं स्किल सेल्स बनाने हैं तो इन सेल्स को वहाँ पर यूज करके आप बना सकते हैं नाउ दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स वी हैव टूटी पोटेंट स्टेम सेल्स टू टी मीन्स पोटेंट मीन्स पोटेंशियल कितने सेल्स में वो बन सकता है इमर्ज हो सकता है इवॉल्व हो सकता है तो वो कितना पोटेंशियल है उसमें एंड टोटी मीन्स टोटल पोटेंशियल ठीक है टोटी टोटी मीन्स टोटल सो टोटी पोटेंट सेल में कंप्लीट पोटेंशियल है वो किसी भी तरह के सेल में जो है डेवलप हो सकता है आपका प्लेसेंटा बन सकता है एंड बाकी जो बॉडी uh, के जितने भी सेल्स हैं बॉडी के ये बना सकते हैं देन वी हैव प्लोरी सेल क्लोरीपोर्टेंट जो है वो भी बाकी हर तरह का सेल बना सकते हैं बस प्लेसेंटा जो है वो नहीं बना सकते ठीक है प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ टोटी पोर्टेंट सेल्स बना सकते हैं देन वी हैव मल्टीपोर्टेंट स्टेम सेल्स ठीक है देन वी हैव यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स जो कि एक ही तरह का सेल बना सकते हैं सो so ये आप डिटेल में उस वीडियो से कवर कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट हिमाटोपोर्टिक स्टेम सेल्स तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांट किया गया था ये ब्लड कैंसर्स वाले पीपल जो हैं उनके लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है बट आफ्टर रिसीविंग अ ट्रांसप्लांट इट इज़ टू द डोनेटेड स्टेम सेल्स अब देखो जो डोनेट किए हैं जो स्टेम सेल्स अब ये उन पर होते हैं कि वो कम्प्लीटली एंटायर ब्लड सेल जो मशीनरी है किसी पेशेंट की बॉडी में रेसिपियंट की बॉडी में उसको कम्प्लीटली उसने रिबिल्ड करना है सो डोनेटेड स्टेम सेल जो है वो एक जो रेसिपियंट बॉडी है वहाँ पर सारे ब्लड सेल्स ये बनाएगा अब वो इतना ज़्यादा रेप्लीकेट कर रहा है एक डोनर सेल जो है उसको बार बार रेप्लीकेट करके ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने पड़ते हैं तो उस पर फेयर अमाउंट ऑफ रेप्लीकेटिव स्ट्रेस लग जाता है जिसकी वजह से क्लोनल ये एक कंडीशन मेंशन की है क्लोनल हिमाटोपोसिस हो सकता है इसमें इसमें क्या है कि एक फिना होता है ये वे डोनेटेड स्टेम सेल्स एक्वायर म्यूटेशंस सो अब वो बार बार रेप्लीकेट हो रहा है उस पर रेप्लीकेटिव स्ट्रेस लग रहा है इसकी वजह से वो म्यूटेट हो सकता है एंड विच माइट वन डे लीड टू कैंसर और क्रॉनिक डिजीजेस अब देखो इस सारी चीज़ को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने एक जिनोम सिक्वेंसिंग परफॉर्म की थी विच एक टेक्निक यूज़ की थी कॉल इज डुप्लैक्स सिक्वेंसिंग देखो पहले तो जिनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है कि आपका डी का डी को सिकवेंसिंग किया जाता है पूरा जो जेनेटिक जेनेटिक मेकअप है आपका उसको स्टडी किया जाता है इन डिटेल ठीक है डुप्लेक्स सिक्वेंसिंग क्या है यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको स्टडी किया जाता है और इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी एक्यूरेट आता है एरर्स कम रहते हैं एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे जीन्स को स्टडी किया है जो कि म्यूटेट कर जाते हैं ठीक है जो कि इवॉल्व होकर म्यूटेट करते हैं तो ऐसे जीन्स को इन्होंने यहाँ पे स्टडी करके देखा था एंड इन्होंने ये आ, उन जीन्स को स्टडी किया जो कि म्यूटेट हो जाते हैं इन माइलॉइड कैंसर्स और क्लोनल हिमाटोपोसिस ठीक है तो इनको ये पता चला कि जितने भी डोनर्स हैं स्टेम सेल्स के तो उन्होंने उनमें उन्हों कम सम डिग्री ऑफ क्लोनल हिमाटोपोसिस वेरियंट्स देखने को मिलते ही हैं हाउएवर जो एवरेज रेट है म्यूटेशन ऑफ दिस जीन्स का वो डोनर्स और रेसिपियंट में ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर डोनर्स में टू परसेंट का रेट था ठीक है yeah. तो म्यूटेशन हो हो के रेसिपियंट में वो टू पॉइंट सिक्स परसेंट रेट पे हो गया तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है सो so, इसे ये कंक्लूजन निकाला दैट देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी वाइड स्प्रेड कलोनल एक्सपेंशन इन स्टेम सेल्स इवन डेकेड्स आफ्टर ट्रांसप्लांट ठीक है ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड जो है स्टेम सेल्स का ये एक सेफ मेथड है तो so, ये चीज़ें थी देन यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है यहाँ पे जैसे न्यू बॉर्न डी की बात कर रही थी तो यहाँ पे जीनोम सिक्वेंसिंग में हंड्रेड ऑफ स्पेसिफिक जीन वेरियंट्स जो हैं उनको देखा जाता है टू स्टडी अबाउट दी पोटेंशल डिसीजेज जो कि हो सकती हैं जेनेटिक डिसजेज़ उनको स्टडी करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है दैन यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट डब्ल्यू एच ओ के जी अबाउट पब्लिशिंग मेघालिया पोलियो केस डिटेल्स तो अभी रिसेंटली एक पोलियो केस जो है मेघालय मेंवर्च होके आया था तो डब्ल्यू एच ओ जो है उसने इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं की है तो उसी के बारे में आर्टिकल यहाँ पे छपा हुआ है सो so, हमने क्या देखना है हमने पोलियो केस के बारे में स्टडी करना है तो so, ये पोलियो केस मेघालय में देखने को मिला था अभी मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में एक टू ईयर ओल्ड बॉय को ये पोलियो केस हुआ था सो so, यहाँ पे एक बॉडी है आई सी एम आर एन आई वी सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एन आई वी ये एक मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट है यूनिट है विच इज़ ए डब्ल्यू एच ओ एक्रेडिटेड पोलियो लेबॉटरी तो इंडिया की ये डब्ल्यू एच ओ एडिटेड पोलियो लेबॉटरी है आई सी एम आर एन आई वी एंड इन्होंने ये कन्फर्म किया है जो केस डिटेक्ट हुआ है मेघालय में दैट इज़ ए टाइप वन वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस तो ये वैक्सीन की वजह से पोलियो वायरस हुआ है ठीक है वैक्सीन की वजह से ये डिजीज़ हुई है तो टाइप वन वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस था ये वी डी पी वी एंड फॉलो अप टेस्ट की वजह से ये पता चला दैट इट वॉज नॉट अ केस ऑफ इम्यूनो डेफिशियंसी रिलेटेड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस तो इम्यूनो डेफिशियंसी का केस नहीं था ये ठीक है मतलब इम्यूनिटी जो है वो चाइल्ड की स्ट्रॉग थी ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी वीक थी तो इसलिए इफेक्ट हुआ तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाला केस नहीं था एंड पोलियो क्यों हुआ था बिकॉज ऑफ लाइव वीकेंड टाइप ऑफ वायरस टाइप वन वायरस चेन ऑफ औरल पोलियो वैक्सीन देखो औरल पोलियो वैक्सीन में टाइप वन का एक लाइव वीकेंड वर्जन ऑफ वायरस जो है वो यूज़ किया गया था अब देखो वैक्सीन कैसे बनती हैं चाहे ओरल वैक्सीन हो या जो इंजेक्शन होते हैं वो वैक्सीन अगर हो तो वो कैसे बनती है वहाँ पर जो वायरस के अगेंस्ट बनानी है वैक्सीन बनानी है या किसी भी डिजीज़ uh, के अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है तो किस वायरस से हुआ है किस बैक्टीरिया से हुआ है वो उसी चीज़ का स्ट्रेन चाहे डेड लेंगे या थोड़ा वीकेंड वर्जन ऑफ दैट सेम वायरस उससे ही वो वैक्सीन बनती है ठीक है एंड जब वही वीकेंड वर्जन ऑफ वैक्सीन जो है या वायरस का वीकेंड वर्जन आपकी बॉडी में जाता है थ्रू वैक्सीन तो आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो वायरस आप पे अटैक करेगा तो बॉडी को पता है कि भाई इस वायरस के अगेंस्ट ये इम्यूनी इम्यून इम्यूनिटी जो है वो हमको यूज़ करनी है ठीक है इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ वीकेंड वर्जन यूज इन दैट वैक्सीन ठीक है तो वैसे ही हुआ था कि हम पोलियो वैक्सीन जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वहाँ पर एक लाइव वीकेंड वर्जन ऑफ पोलियो वायरस जो है वो यूज़ किया गया था एंड uh, उसी ने जो है वो म्यूटेट होके पोलियो कॉज कर दिया है ठीक है उसी उसी में म्यूटेशंस हो गई थी एंड पोलियो जो है वो हो गया चाइल्ड में हु वॉज नॉट फुली इम्यूनाइज नाउ देर वॉज नी नो एविडेंट की वायरस जो है वो पूरा कम्यूनिटी में फैल रहा है ठीक है सो so, इसी लिए कहा गया कि ये वी डी वी पी टाइप वन वायरस है एंड इट इज नॉट सी वी डी पी वी मतलब सर्कुलेटिंग वायरस नहीं है सो so, कहा गया कि सर्कुलेटिंग वायरस नहीं है ये सिंपली अपना वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है ठीक है सो so, ये चीजें थी अब देखो एक ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव है जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है पीपीपी है लेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स ऑफ सिक्स पार्टनर्स इंक्लूडिंग डब्ल्यू एच ओ नॉट ऑफी स्टडी अबाउट पोलियो पोलियो क्या है इट इज़ पोलियोमाइलिटिस शॉर्ट फॉर्म इसको पोलियो कहते हैं दिस इज अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ वायरल डिजीज़ है बिकॉज पोलियो वायरस से ये स्प्रेड होती है इसकी वजह से ये कॉज होती है इट कैन कॉज पैरालिसिस और इवन डेथ स्प्रेड कैसे होती है प्राइमरीली थ्रू फेकल ओरल रूट तो आपकी फेकल मटेरियल से स्प्रेड हो सकती है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन बट इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर सिम्टम्स अगर हम देखें तो सेवेंटी परसेंट पीपल जो है वो सिम्टम्स शो ही नहीं करते ट्वेंटी फाइव परसेंट में हैव माइल्ड सिम्टम्स लाइक फीवर हेडेक, वॉमिटिंग डायरिया एंड जो मोस्ट सिवियर सिम्टम्स है, दैट इंक्लूड पैरालिसिस ऑफ लिम्स, मसल्स यूज फॉर ब्रीथिंग तो इन सबका पैरालिसिस पैरालीज हो सकते हैं ये सब एंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं कोई कोई क्योर नहीं है पोलियो का बट ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम्स को ईज कर सकता है ठीक है पेन रिलीवर फिजिकल थेरेपी ये सब ले सकते हैं एंड वैक्सीन से ये आप प्रिवेंट कर सकते हो एंड जैसे इंडिया जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका है बाय डब्ल्यू डब्ल्यू एच ओ इन ट्वेंटी फोर्टीन बट अभी ये रिसेंटली इतना हाईलाइट क्यों हुआ इशू बिकॉज अभी हमने मेघालय वाला जो केस देखा ठीक है उसकी वजह से अभी ये न्यूज़ में था तो इसलिए वी नीड टू नो दैट नो इफ वी डिस्कस एन अदर आर्टिकल तो यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है दैट कूल वाटर एट ओशन सर्फेस इंक्रीज कार्बन एब्जॉर्बन तो so, एक स्टडी बताती है दैट कूल वाटर जो होता है ओशन सर्फिस पे वो कार्बन एब्जॉर्प्शन को इनक्रीज करता है ठीक है तो याद रखना है अगर वार्म वाटर होगा कार्बन एब्जॉर्प्शन कम होगी एंड अगर कूल कोल्ड वाटर होगा तो कार्बन एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी बस इतना ही जानना है इसमें नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अ मिनी प्रोटीन दैट कैन कैरी रेडिएशन डोज डायरेक्टली टू ट्यूमर्स तो देखो हम बॉडी में अगर कोई ट्यूमर होता है तो हम इन्वेजिव जो ट्रीटमेंट्स करवाते हैं या फिर कुछ ऐसे माइक्रो टूल्स भी बने हैं माइक्रो रोबोट्स के थ्रू भी हम वैक्सीन जो हैं या फिर जो डोज डिलीवर करना होता है वो बॉडी में हम डिलीवर करवाते हैं तो अभी एक मिनी प्रोटीन है जो कि रेडिएशन डोज को रेडिएशन डोज को एक प्रोटीन जो है वो कैरी कर सकता है डायरेक्टली टू ट्यूमर्स ठीक है तो डायरेक्टली उनको टारगेट करने में हेल्प करेगा जहाँ पर रेडिएशन की जरूरत है एंड ये प्रोटीन जो है जो डिलीवर करता है रेडिएशन डोज डायरेक्टली टू ट्यूमर ट्यूमर सेल्स ये एक्सप्रेस करता है उन सेल्स पे एक प्रोटीन कॉल्ड नेक्टिन फोर ठीक है तो ये सेल ये जो ट्यूमर सेल्स के पास अब रेडिएशन डोज देगा तो उन सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस होगा कॉल्ड एस नेक्टिन फोर एंड इस मिनी प्रोटीन को रेडियो फार्मास्यूटिकल भी कहा गया है बिकॉज ये रेडिएशन डोज दे रहा है उनको ठीक है ओके okay. सो so ये आर्टिकल भी खत्म अब नेक्स्ट एच फाइव एन वन वायरस के रिकार्डिंग एक आर्टिकल है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा कॉज करता है था दैट इज बर्ड्स में इन्फ्लुएंजा कॉज करता है एंड ये जो आउटब्रेक हुआ था इट वॉज कैरिड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स तो माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से ये एच वन एन एच फाइव एन वन वायरस जो है वो कैरी करके वो लेके आए थे एंड काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हो गई थी हाईली कंटेजियस है ये बहुत ही क्विकली स्प्रेड हो, हो जाता है ये इट किल्ज मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड द वायरस हैज़ इन्फेक्टेड ओवर टू हंड्रेडिल मेबिलियन स्पेशज इंक्लूडिंग ह्यूमन्स तो ये जानने की बात है कि भाई ह्यूमस को भी इसने इम्पैक्ट किया था ठीक है एंड रिसेंटली अभी यूएस में एक कैटल में एवियन इन्फ्लूसा देखने को मिला था जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन उनकी ड्रॉप हो गई थी तो ये छोटा सा एक न्यूज़ था देन ओवरऑल प्रेवलेंस अगर हम देखें एच फाइव एन वन इन्फेक्शंस का वो तो लो है बट रिस्क इंक्रीज कर जाता है अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज रहो टूट इन्फेक्टेड एनिमल्स और कंटामिनेटेड इन्वामेंट्स दैट्स इट दैन यहाँ पे एक छोटी सी किसके बारे में है ये बताते हैं कि इफ देयर एनी एविडेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस कॉज बाई ह्यूमस तो ह्यूमन्स ने जो इन्वायमेंट में चेंजेस कॉज की है क्या उसकी वजह से एनिमल एवोल्यूशन uh, का कोई एविडेंस है तो रिसेंटली न्यूजीलैंड का एक नेटिव स्टोन फ्लाइज है दे हैव चेंज कलर इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन जीवन एन्वायरमेंटल चेंजेस तो अगर कहीं कोट करना हो मेन्स में कि इन्वायमेंटल चेंजेस की वजह से स्पीशीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भाई स्पीशीज़ भी इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई है ठीक so, है सो ये वर्ल्ड का मोस्ट क्लियर कट केस है एनिमल एवोल्यूशन का इन रिस्पॉन्स टू चेंज मेड बाई ह्यूम तो मेन्स में कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये ठीक है इन्वायमेंट के क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है नाओ एफ ए क्यू में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज दिस आर्टिकल हाउ विल एल ए सी अग्रीमेंट पैन आउट ऑन बॉर्डर तो बॉर्डर पे किस तरीके से ये आएगा सामने इसमें मेजरली हमको लोकेशन पे फोकस करना है ठीक है एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द फ्लाइट प्रोटोकॉल फॉर अ बॉम्ब थ्रेट क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए तो so, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमने ऑलरेडी दो छोटे छोटे आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं ठीक है ठीके? जिसमें हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ा था कि उस एक्ट में जो है वो इंटरमीडियरी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के थ्रू जैसे ये स्प्रेड कर रहा था थ्रेड्स तो उनके रेगुलेशन के लिए आईटी एक्ट वगैरह में प्रोविजन वो हमने देखा थोड़ा बहुत ठीक है ठीक है अभी एल आई एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ सो आर्टिकल किसके बारे में है कि ये जो एंगेजमेंट व्हाट फॉलोज द डिस एंगेजमेंट बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप एट देपसांग एंड देमचोक इन ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर अब बाकी फ्रिक्शन पॉइंट का क्या स्टेटस है एंड हाउ डिड चाइना एंड इंडिया अराइव एट एन अग्रीमेंट आफ्टर गलवान क्लैश ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी एंड बफर जोन्स को क्या हुआ अभी बफर जोन क्या है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो ये भी देखेंगे सो so, जैसे हमने देखा दैट अग्रीमेंट uh, एक हो चुका है ऑन दी विद इंडिया एंड चाइना का अग्रीमेंट हो गया है ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स अलॉन्ग एल ए सी ठीक है तो जिस जिसके थ्रू अब डिस इंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है दैमचौक एंड देपसांग जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में तो so, इसमें क्या होगा जो भी टेम्प्ररी और सेमी पर्मानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है जो भी 2020 अप्रैल से सेटअप किए गए थे एंड बाय द मंथ एंड पेट्रोलिंग भी जो है वो रिज्यूम कर दी जाएगी दोनों साइड्स पे नाउ देर इज देर इज नो चेंज इन स्टेटस ऑफ अदर फ्रिक्शन पॉइंट्स बाकी फ्रिक्शन पॉइंट पर कोई चेंज नहीं है वे आर बफर जोन्स वर सेटअप सिंस द डिसंगेजमेंट फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी तो बाकी जहाँ पे बफर जोन्स बनी हैं उन पॉइंट्स पे उन फ्रिक्शन पॉइंट्स पे कोई भी अभी चेंज इन स्टेटस नहीं है ठीक है दैन और क्या चीज़ें कही हैं इस आर्टिकल में तो यहाँ कहे कि ट्वेंटी ट्वेंटी से जो क्लाशेज़ हुए थे नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंगसो लेक तो पेंगोंगसो लेक के लोकेशन हमने कल के सेशन में भी पढ़ा था एंड हमने परसों के न्यूज़पेपर सेशन में भी पढ़ा था ठीक है तो आज भी हम उसको देखेंगे बट पहले लोकेशन देख लेती है कि कुमकुन से मैंशन करी है देन यहाँ पर बात है कि एक और चीज़ कही है कि नॉम नॉर्मली ऐसे था कि इंडियन आर्मी जो है वो फिंगर एट तक पेट्रोलिंग करेगी ठीक है बट चाइनीज़ ने जो है वो उस रूटीन को ब्लॉक करने की कोशिश की थी उसकी वजह से ये क्लास जो है वो हुआ था देन 2020 में नाकुला जो एरिया है इन नॉर्थ सिक्किम वहाँ पे भी क्लैश देखने को मिला तो नाकुला कहाँ पे है नॉर्थ सिक्किम में ठीक है तो नाकुला याद रखना है पेंगोंगसो लेक लद्दाख में ठीक है ये याद रखना है फिंगर एट फिंगर एट जो है ये किस कंटेक्सट में है तो ये भी पता होना चाहिए देन यहाँ अरुणाचल प्रदेश के यांग से रीजन जो है देखो अब ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है इंडिया एंड चाइना के बीच में तो नॉर्मली जो है वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया एंड चाइना में दैट यांग्से में चाइनीज़ पेट्रोल्स जो हैं वो ठीक है पेट्रोलिंग कर सकते हैं वो लाइक like बिफोर उनकी मूवमेंट जो है वो ब्लॉक नहीं की जाएगी लेकिन बाद में जो है इसका भी कुछ ट्रांसक्रेशन वगैरह हुई थी कंसिस्टेंट ट्रांसक्रेशन जो है वो होती रही है देन गलवान वैली जो है इसकी लोकेशन भी हमने कल भी देखी थी आज भी हम देखते हैं मैप में तवांग सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश का ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट uh, रहा है इंडिया एंड चाइना के बीच में ठीक है ये कह रहे कि डिसंगेजमेंट तो हो गया है उसके बाद हमको एस्केलेशन एंड डी इंडक्शन करने की जरूरत है दैट इज इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा ईज आउट करना है ठीक है डी मीन्स इसको थोड़ा ईज़ आउट करना जो टेंशन अभी चल रही है कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी जो जो बड़ी हुई है उसको थोड़ा डीएसकलेशन करना है हमको एंड डी इंडक्शन तो जो ट्रूप्स हैं आर्मी ट्रूप्स वहाँ पे हमने तैनात कर रखे हैं दोनों साइड साइड्स को जो है अपनी आर्मी को वापस बुलाना होगा या थोड़ी उनकी नंबर उनका कम करना होगा ठीक है देन और क्या चीज़ें कही गई हैं यहाँ पर अब देखो ये जो अग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली रिगार्डिंग दिप्तांग एंड देमचौक पॉइंट्स इसका मतलब है कि अब आर्मी इंडियन आर्मी जो है वो दोबारा से पेट्रोलिंग कर सकती है अप टू पेट्रोलिंग पॉइंट्स टेन इलेवन इलेवन ए ट्वेल्व एंड थर्टीन जो कि देपसांग एरिया में है ठीक तो है तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं देपसांग एरिया में देखा जाए तो टोटल सिक्सटी फाइव पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं फ्रॉम काराकोरम पास टू चुमर चुमर ये लोकेशन भी हम देखेंगे कहाँ पे है तो टोटल सिक्सटी फाइव पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे एंड जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की अगर हम बात करें आउट ऑफ सिक्सटी फाइव पेट्रोलिंग पॉइंट्स इंडिया की प्रेजेंस जो है वो ट्वेंटी सिक्स पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम लॉस कर चुके थे बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव और नो पेट्रोलिंग बाई इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इसी चीज़ को जो है मुद्दा बना के चाइनीज़ फोर्सेज ने बाद में कहा कि सिंस इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज तो वहाँ पर है नहीं एंड ना ही वहाँ पे सिविलियंस है इतने टाइम से एंड चाइना तो इन एरियाज में प्रेजेंट था तो चाइना ने एक तरह से अब अपना कब्ज़ा उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स में जमा दिया सो so इसकी वजह से एक शिफ्ट हुआ है इन बॉर्डर अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टू इंडियन साइड जिसकी वजह से एक बफर जोन बन गई है उन पॉकेट में ठीक है तो बफर जोन बन गई है जहाँ पर इंडिया ने पेट्रोलिंग नहीं की थी क्योंकि तो करनी चाहिए थी किसी भी वजह से जो है पेट्रोलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई एंड चाइना वहाँ पर अपनी प्रेजेंस रखा हुआ था ठीक है तो वो एक तरह से ऐसी पॉकेट्स बन गई है ऐसी बफर जोन बन गई है जहाँ पे एक्चुअल में इंडिया की प्रेजेंस होनी चाहिए थी बट वो चाइना ने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे क्रिएट कर ली है ठीक है एंड ये जो टेक्निक है चाइना की कि भाई लैंड ग्रैबिंग का इंच बाय इंच लैंड ग्रैब करना कि भाई अगर उनकी प्रेजेंस नहीं है तो हम वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएंगे अपनी प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ाते जाएंगे एंड आफ्टर टाइम हम बोलेंगे कि हम तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से प्रेजेंट हैं ठीक है तो ये हमारे कब्जे में हो गया चीज़ लैंड तो ये लैंड ग्रैबिंग टेक्निक जो है इनकी इंच बाय इंच लैंड ग्रैबिंग इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग ठीक है तो ये चाइना की काफी पुरानी टेक्निक है देन दौलत बैग ओल्डी इसको भी हमने मैप में देखा था दरबुक शोख डीबीओ रोड दिस इज एन ऑल वेदर रोड ठीक है जो कि आपके ले जो है लद्दाख की जो कैपिटल सिटी है उसको कनेक्ट करता है दौलत बेग ओल्दी से वाया दरबुक एंड श्योक विलेजेस ठीक है सो so ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है एंड यहाँ तक चाइनीज ट्रूप्स जो है वो पहुँच गए थे ठीक है तो इतना प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ हो गई थी ऑल्सो देपसांग जो है वो काराकोरम पास के पास में ही है इट इज़ नेक्स्ट टू काराकोरम पास जो कि ऊपर से नजर रख सकते वहाँ से हम नजर रख सकते हैं ऑन दी स्ट्रैटेजिक साल्टारो ब्रिज एंड सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है कि इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कल्यूजिविटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ठीक है सो साल्टारो ब्रिज सियाचिन ग्लेशियर देपसांग देपसांग जो है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ से हम साल्टारो ब्रिज एंड सियाचिन ग्लेशियर पे नज़र रख सकते हैं ठीक है इसको ओवरलुक कर सकते हैं सो इनके हम लोकेशन देखेंगे अभी बट उससे पहले हम ये आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं सो so, देखो एक और इशू है यहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड्स दे हैड सर्वड एज पास फॉर सेमी नोमैडिक कम्युनिटी ऑफ चांगथ रीजन तो उस कम्युनिटी का नाम क्या है रेबोल्स ठीक है तो इनके लिए एक तरह का पैस्टर्स की तरह वो एक्ट करती है एंड 2014 से ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी ऑन द ग्रेजिंग मूवमेंट एंड एरियाज तो उसकी वजह से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई थी उसकी वजह से भी कुछ रिसेंटमेंट थी ठीक है तो ये भी एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है इंडिया एंड चाइना के बीच में तो लेकिन लेटेस्ट अग्रीमेंट जो हुआ है इट एड्रेस दैट इशू एज़ वेल इन दमचोक एरिया तो दमचोक एरिया में भी इशू भी ग्रेजिंग ग्राउंड का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो गया है ठीक है सो तो ये था अब यहाँ पे जो जितने भी लोकेशन की बात की गई है वो हम देखते हैं ठीक है ओके सो एज़ यू कैन सी दिस इज लद्दाख यहाँ नॉर्थ में है आपके देप्तान प्लेन्स देपसांग प्लेन्स के भी नॉर्थ वेस्ट में है आपका दौलत बेग ओल्दी ठीक है जहाँ पे हमने दरबुक श्योक रोड जो है वो भी देखा हमने देन देपसांग दौलत बेग ओल्दी रोड हो गया uh, दौलत बेग ओल्दी पॉइंट हो गया देन देपसांग प्लेन्स हो गए देन वी हैव गलवान वी हैव हॉट स्प्रिंग्स देन पेंगोंगसो लेक एंड दमचौक जो है यहाँ बिल्कुल साउथ में है ठीक है ये ध्यान रखना है बिल्कुल साउथ में आके आपका दैमचौक पॉइंट है तो so यहाँ से ये पॉइंट्स क्लियर है देन यहाँ हमने पढ़ा काराकोरम पास दिस इज काराकोरम पास ठीक है दिस इज योर काराकोरम पास यहाँ से लेके चुनशुल तक दिस इज़ चुशुल नॉट चुनशुल बट चुशुल ठीक है तो ये पॉइंट पेंगोंग्सो के पेंगोंगसो लेक के ही नॉर्थ में है ये चुशुल पॉइंट ठीक है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दमचौक देन यहाँ पे जीपुगी ला है जीपुगी ला ठीक है यहाँ पे चुशुल है यहाँ पे चुमुर है चुमुर ठीक है और पैंगोंगसो लेक देख ली हमने दौलत बेग ओल्दी देख लिया इट और ये आपका सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम के पास में वेस्ट साइड जो है क्लियरली देखेंगे दिस इज योर काराकोरम पास ठीक है एंड यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है इस मैप में थोड़ा और क्लियरली आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर है दिस इज सियाचिन ग्लेशियर जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में हमने देखा पॉइंट ऑफ कॉल्यूजन है ठीक है सियाचिन ग्लेशियर देन सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में आता है छगजम वैली छगजम वैली वेरी इंपॉर्टेंट ये सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ वेस्ट में आता है देपसांग प्लेन देख लिया डलवान वैली देख ली हमने पेंगोंगसो लेक देख ली दमचौक देख लिया हमने ठीक है दैट्स इट यही इंपॉर्टेंट था इसमें अब देखो हमने फिंगर एट का भी जिक्र पढ़ा था ठीक है आर्टिकल में तो ये फिंगर्स का क्या कॉन्सेप्ट है देखो जैसे हमने देखा पेंगोंगसो यहाँ हमारा पेंगोंगसो है ठीक है लद्दाख में इसके राइट साइड इस दिस इज आर पेंगोंगसो लेक ठीक है जैसे आप इस मैप में देखेंगे अगर दिस इज पेंगोंगसो दिस इज योर पेंगोंगसो लेक ठीक है ये वाला पॉइंट अब इसके राइट में ये पेंगोंगसो लेक है इसके राइट में ये जो एरिया है दैट इज ये जो एक्साइजन वाला एरिया है यहाँ पे फिंगर्स हैं ये फिंगर वन फिंगर टू फिंगर थ्री अप टिल फिंगर एट अब देखो यहाँ पे चाइना कहता है इंडिया कहते हैं कि हमारा यहाँ से फिंगर एट तक जो है वो हमारा है ठीक है मतलब हम देखा जाए तो हमारा जो फिज़िकल प्रजेंस है वो फिंगर थ्री और फिंगर फोर के बीच तक यहाँ तक है ये हमारा बेस है ठीक है बट हम पेट्रोलिंग जो है वो फिंगर एट तक करते हैं पेट्रोलिंग हम यहाँ तक कर सकते हैं फिंगर एट तक और करते हैं हम ट्रेडिशनली ठीक है बट चाइना क्लेम करता है कि ये वाला जो एरिया है मतलब यहाँ से फिंगर टू तक जो है चाइना क्लेम करता है बट इंडिया कहते हैं नहीं हम हमारा तो बेस है यहाँ पे फिंगर थ्री एंड फिंगर फोर के बीच में भी और हम पेट्रोलिंग करते हैं फिंगर एट तक तो ये बस लोकेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ये आपका लद्दाख है दिस इज योर पेंगोंगसो लेक एंड ये आपका एक्साइचिन है और यहाँ पे एक्साइचिन के साउथ में जो है ये आपके फिंगर्स मिलेंगे ठीक है देन हमने एक साल्टारो रिच के बारे में पढ़ा ठीक है तो so यहाँ पे जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे एक माउंटेन रिज है जिसको साल्टारो रिज बोलते हैं एंड दैट इज अंडर इंडियन आर्मीज कंट्रोल ठीक है इसी के साथ आप देख लो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है उसके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है आपका जगजम वैली देन यहाँ पे बाल्टारो ग्लेशियर है बाल्टारो ग्लेशियर साल्टारो रिज देख लिया हमने ठीक है देन यहाँ आप दो रिवर्स का मैंशन देख सकते हैं दिस इज नुब्रा रिवर एंड दिस इज योर शोक रिवर ठीक है फिर नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर इस पर यूपीएससी ने फिल्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी ठीक है सो नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर एंड दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर एंड श्योक रिवर इज फर्दर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर ठीक है आई थिंक इतना इनफ है अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द फ्लाइट प्रोटोकॉल फॉर अ बॉम्ब थ्रेट तो फ्लाइट में क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं अगर कोई बॉम्ब थ्रेट आता है So, यहाँ पे वट हैज़ बीन द लॉस इनकर्ड बाई इंडियन एविएशन ड्यू टू फ्रिकुंट सिक्योरिटी थ्रेट्स मैंने ये पूछा भाई लॉस कितना इंडियन एविएशन ने फेस किया है ये जो फ्रिकुंट सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं वाया सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स और अदर मीडियम्स एंड वॉट आर द स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू टैकल दिस कौन सेटअप करता है या मोनिटर करता है एविएशन गाइडलाइंस को एंड क्या एग्जिस्टिंग लॉज को हम एमेंड कर सकते हैं टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट ठीक है सो so ये देखते हैं अगर हम देखें नीयरली टू वीक्स से ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन कैरियर जैसे टाटा ग्रुप एयरलाइंस के जितने भी हैं एयरलाइन सॉरी एयर इंडिया विस्तारा एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो अलायंस एयर ये सब जो है दे है फेज द वेव ऑफ थ्रेड्स रिजल्टिंग इन एमरजेंसी रिस्पॉन्स और री रूटिंग तो कहा गया है कि सारे ही थ्रेड्स जो है वो इस तरह का हॉक्स निकले हैं मतलब फेक निकले हैं ये ठीक है र्यूमर निकले हैं दे हैव स्टिल सेट टू सिग्निफिकेंट फ्लाइट डिलेज एंड फाइनेंशियल लॉसेज काफ़ी हुए हैं एक घंटे का तेरह लाख से सत्रह लाख तक का फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा है इनको एंड मोस्ट ऑफ द थ्रेड्स जो है सोशल मीडिया से आए हैं ठीक है अगर हम देखें इंडिया में पर डे जो है फोर थाउजेंड फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं एंड अगर हम देखें तो अभी तक टू सेवेंटी फ़ाइव हम थ्रेड्स फेस कर चुके हैं फॉर फोर्टी एट थाउजेंड फ़्लाइट्स ठीक है एंड अब देखिए अगर हम देखा जाए कि वॉट इज़ दी एविएशन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या आर्किटेक्चर है तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का एनेक्चर सेवनटीन है एविएशन सिक्योरिटी में ठीक है तो एनक्शर सेवनटीन एविएशन सिक्योरिटी इसमें क्या है एस ए आर पी की बात की है स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस सो यहाँ पे कहा है कि फॉर्मुलेशन एंड एडोपन ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसज़ for international civil aviation these are important and these are detailed in technical annexes annexes to chicago convention that is convention on international civil aviation so chicago convention yaad rakhni hai what is this convention on international civil aviation ka hi ye dusra naam hai isme mention kiya hai annex 17 mein standards and recommended practices के बारे में ठीक है तो ये कहीं भी way forward में हम लिख सकते हैं कि भाई इनको adopt करना चाहिए स्टैंडर्ड एंड रेकमेंडेड प्रैक्टिस के लिए जो कि शिकागो कन्वेंशन की एनएक्शन 17 में मैंशन है देन एक और चीज़ है आई का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का एविएशन सिक्योरिटी मैनुअल है जिसको डॉक्यूमेंट एट नाइन सेवन थ्री कहा जाता है सो तो ये मैनुअल असिस्ट करता है आई मेंबर स्टेट्स को ठीक है एंड ये डॉक्यूमेंट और एनएक्स सेवनटीन जो हमने ऊपर पढ़ा एस के बारे में ठीक है सो दीज आर अंडर कॉन्स्टेंट रिव्यू कीपिंग इन माइंड न्यू थ्रेट्स एंड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट्स उसको रिव्यू किया जा रहा है ठीक है इंडिया में अगर हम देखें तो ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है वो इन इन चीज़ों के बारे में नोडल एजेंसी है एंड डी जी सी ए जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दिस इज़ कंसर्न विद सेफ्टी ठीक है सिविल एविएशन में सेफ्टी का ये देखते हैं डी जी सी एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात देखें तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है देन कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वी हैव सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हायर जुडिशरी सो ये सभी जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एविएशन सेक्टर दैन इन्हीं थ्रेड्स के कंटेक्स में अमेंडमेंट्स प्लान की जा रही हैं टू द एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 एंड एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ तो इसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट पनिशमेंट्स दी जाएंगी एंड ऑफेंडर्स को नो फ्लाई लिस्ट में प्लेस किया जाएगा ठीक है एंड uh, uh, जो है सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट नाइनटीन अब इसमें जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा इवन व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड अभी नॉर्मली ये जो रेगुलेशंस हैं ये फोकस करती है इन फ्लाइट अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है इन फ्लाइट हाईजैकिंग हो जाती है मतलब जब टेक ऑफ कर चुका है प्लेन उसके बाद कोई इंसिडेंट होता है वो डील करता है इस एक्ट के अंदर ठीक है बट अब है कि अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे भी है तब भी उस पर लीगल एक्शन होगा सो ये इनका नाम याद रखना है सपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट नाइनटीन एटी देन नॉर्मली जो है वो किसी भी एयरपोर्ट में इनफैक्ट हर एक एयरपोर्ट में ऑपरेटर एयरलाइन सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल करने के उनके पास प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं रेगुलरली टेस्ट किए जाते हैं एंड देर आर सर्टन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी हैं विच आर रिस्ट्रिक्टेड जैसे कि अगर हाईजेक्स हो जाते हैं रेडियो कम्युनिकेशन फेलोर हो जाता है एयरक्राफ्ट आइसोलेशन हो जाता है कुछ और इमरजेंसी हो जाती हैं तो उनके लिए कंटिनजेंसी प्रोसीजर्स भी इन अनयूजल इंसिडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं देन यहाँ कहा गया कि जो होक्स कॉल्स आती हैं उनको टैकल करना चाहिए उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है जैसे एडवांस कॉल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए हमारे पास कहाँ से कॉल आ रही है उनको ट्रैक कर पाएँ ए आई पावर्ड कॉल एनालिसिस होना चाहिए वॉइस स्ट्रेस एनालिसिस होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव थ्रेट असेसमेंट होना चाहिए रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव फॉर इन्फॉर्मर्स होने चाहिए ठीक है ये सब चीज़ें कही हैं देन हमको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग हैविंग एन एविएशन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट एविएशन सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए वी शुड हैव अ ग्लोबल होक्स कॉल डेटा बेस ठीक है जो इस तरह के फेक कॉल्स होते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी थ्रेड्स उनका एक डेटा बेस होना चाहिए ग्लोबली वी शुड हैव ए आई पॉवर्ड चैट बॉक्स फॉर चैट बॉक्स फॉर इनिशियल थ्रेट असेसमेंट एनहांस साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ कॉलर्स होनी चाहिए कौन कॉल कर रहा है उनका एक एनहानस्ड साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग उनकी होनी चाहिए डेटा सब अवेलेबल होना चाहिए एंड एक और सजेशन दिया गया है दैट जो ऑफेंडर्स हैं उनकी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे प्लेस करनी चाहिए एंड एयरपोर्ट्स पे भी डिस्प्ले करनी चाहिए सो so ये वे फॉरवर्ड सजेशंस एंड जो ऑलरेडी मेजर्स अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉज इन द फॉर्म ऑफ शिकागो कन्वेंशन एन एच एस ऑफ शिकागो कन्वेंशन एंड एविएशन सिक्योरिटी मैनुअल सो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं द सक्सेसर ऑफ टाटा ट्रस्ट तो बस इसमें ये नाम देख लो नोएल टाटा जो हैं वो सक्सेसर चूज़ किए गए हैं रतन टाटा जी के ठीक है एंड प्रायर टू इज अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट ये ट्रस्टी थी ऑन द बोर्ड्स ऑफ सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट एंड सर रतन टाटा ट्रस्ट एंड ये जो टाटा ट्रस्ट हैं दैट ओन्स ओवर सिक्सटी सिक्स परसेंट स्टेक इन टाटा सेंस ठीक है देन यहाँ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं हु इज़ द फिफ्टी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम क्या है उनका जस्टिस संजीव खन्ना तो संजीव खन्ना फिफ्टी फर्स्ट सी जे आई शॉर्ट एनुअल के लिए अपॉइंट हुए हैं फॉर सिक्स मंथ बिकॉज उनकी रिटायरमेंट होने वाली है इन मे ट्वेंटी देन एक स्मॉल आर्टिकल है दैट जी सेवन टू डिस बिलियन यूएस डॉलर्स लोन फॉर कीव यूजिंग रशियन एसिड प्रॉफिट्स सो so, यहाँ का है कि रशिया ने जो भी सॉवेन एसेट्स गेन किए हैं आफ्टर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन तो उससे जो भी प्रॉफिट उसको हुए हैं उससे हम कीव को जो है एड करेंगे फिफ्टी बिलियन का लोन देंगे ठीक है ये जी सेवन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कीव क्या है इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन ठीक है तो यूक्रेन की कैपिटल सिटी है उसको असिस्ट करने के लिए जी सेवन ने ये डिसीजन लिया है अब हम जी सेवन क्या है ये भी पढ़ेंगे एंड यूक्रेन का मैप पहले स्टडी कर लेते हैं दिस इज द मैप ऑफ यूक्रेन यूक्रेन की अगर हम कैपिटल सिटी देखें दिस इज कीव बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं यूक्रेन की सो so, यहाँ पे रशिया है पूरा वेस्ट आ, पूरा ईस्ट में जो है वो रशिया है ठीक है कंप्लीटली ईस्ट पार्ट जो यूक्रेन का वो रशिया से बॉर्डर करता है ठीक है देन वी हैव बेलारस पोलैंड स्लोवाकिया हंगरी रोमानिया एंड मोल्डोवा एंड साउथ में है ब्लैक सी ठीक है सो बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यू में एंड स्टेट पी सी एस पी जो था जे का उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है सो बॉर्जिंग कंट्रीज़ अगर हम याद करने की कोशिश करें देखो आर से दो कंट्रीज़ है रशिया एंड रोमानिया ठीक है तो आर से वी हैव टू कंट्रीज़ देन स्लोवाकिया और हंगरी है ठीक है तो इसका अगर हम एस ले लें और इसका अगर हम एच ले लें स्लोवाकिया एंड हंगरी का तो शुगर हम बना सकते हैं एस शुगर नॉर्मली एस यू जी ए आर को हम एस एच कर देते हैं ठीक है शुगर एस एच यू जी आर जो है ऐसे ये से रखो ठीक है ये जी से कुछ नहीं है इतना याद रखना है एस से है आपका स्लोवाकिया एच से हंगरी है एच यू से हंगरी हो गया आर से रोमानिया एंड रशिया एंड यहाँ पे आप बी पी कर लो ठीक है बेलारस एंड पोलैंड जो है सीरी बी पी सो so, बी पी एंड शुगर तो यूक्रेन को बी पी और शुगर दोनों हो गया है उस तरीके से हम याद कर सकते हैं ठीक है देन अगर हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वी हैव रशिया वी हैव यूक्रेन यूक्रेन के बाद रोमानिया है बल्गेरिया so, है टर्की है एंड जॉर्जिया है ठीक है इसको कैसे याद करेंगे तो इसके लिए हम एक लाइन याद रखेंगे सो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद करने के लिए एक ट्रिक याद रख लो दैट रशिया एंड रोमानिया देखो रशिया रोमानिया जाने वो हम, हम कैसे जाएंगे ट्रक क्रेन और बुलडोजर इससे जाएंगे ठीक है सो so, रशिया डन आर से रोमानिया डन टी से टर्की ट्रक से टर्की हो गया क्रेन मतलब यूक्रेन बुलडोजर मीन्स बल्गेरिया एंड जाएंगे मीन्स जॉर्जिया ठीक है सो so, रोमानिया रशिया टर्की यूक्रेन बी से बल्गेरिया जी से जॉर्जिया सो so, रशिया एंड रोमानिया हम ट्रक क्रेन एंड बुलडोजर से जाएंगे तैन यहाँ पे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ यूक्रेन देख लें सो वी हैव कीव देन खारकीव चर्नोबायल जहाँ पे चर्नोबायल डिजास्टर हुआ था वी हैव लीव लीव कीव खारकीव ठीक है इस तरह की सिटीज़ हैं चर्नोबायल है, है दोनेट्स है ठीक है दोनेट्स ये भी न्यूज़ में रहा था दो तीन साल पहले काफ़ी जैपोरिजिया है खर्सन है मारियोपोल है यहाँ पे क्रीमियन पेनसुल आता है एकदम साउथ में ठीक है यूक्रेन के क्रीमियन पेनेंसुल आता है ओडिसा है ठीक है कोस्टल सिटी है ये एक देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं तो वी हैव नाइस्टर रिवर जो कि यहाँ से पास करती है देन यहाँ डोनेट्स रिवर है जो कि एक डॉन रिवर की ट्रिब्यूटरी है ठीक है एंड ये डॉन रिवर जो है ये फॉल करती है सी ऑफ अजॉर्ब में जो फर्दर फिर फॉल करते हैं ब्लैक सी में ठीक है एंड नाइस्टर रिवर जो है ये भी ब्लैक सी में फॉल कर रही है वी हैव देस्ना रिवर जो कि नाइपर रिवर का ही एक ट्रिब्यूटरी है देन वी हैव अ सिटी कॉल्ड याल्ता सिवास्तोपोल क्रीमियन पेनंसुला के यहाँ पे है ये ठीक है देखो क्रीमियन पेनन्सुला के अगर हम यहाँ पे सिटीज़ देखें साउथ में वी हैव सिवास्तोपोल याल्ता एंड कर्च यहाँ कर्च से कर्च स्ट्रेट भी है ठीक है कर्च स्ट्रेट है जो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करता है ठीक है और वी कैन से सेपरेट करता है सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी देख ली हमने और यहीं पर आप देखेंगे कारपेथियन माउंटेंस है जो कि यूक्रेन में भी फॉल करता है इसका पार्ट कारपेथियन माउंटेन्स आर इम्पॉर्टेंट बस इतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना एंड लास्ट टॉपिक फॉर टूडेज़ अबाउट जी सेवन तो जी सेवन क्या है ग्रुप ऑफ सेवन ये वर्ल्ड की सेवन लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप है ठीक है जो कि डोमिनेट करते हैं ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वी हैव कैनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यू के एंड यू एस ये कंट्रीज याद रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीके? क्योंकि साथ ही कंट्रीज है और एडवास्ट इकोनॉमी है पूछा जा सकता है वी हैव यू के एंड यू एस ठीक है यू के यू एस है देन वी हैव इटली एंड जापान जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ थे तो इटली जापान जर्मनी तीनों ही देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तीनों ही साथ वाले साथी जर्मनी इटली जापान वी हैव यू के एंड यू एस देन कैनेडा फ्रांस ये दो भी याद रखने हैं रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया था 1998 में तो जी बन गया था बट जब इसने क्रीमिया क्रीमिया को टेक ओवर किया जो यूक्रेन का पार्ट था तो 2014 में फिर इसको बाहर निकाल दिया गया था सो दिस इज इट फॉर टूडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस आई होप यू लाइक दिस सेशन